नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज मैं आपके सामने जोया फैक्टर मूवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये फिल्म सोनम कपूर और दिलकीर सलमान की फिल्म है। दिलकीर सलमान बॉलीवुड में दूसरी बार नजर आएंगे। दिलकीर सलमान की पहली फिल्म कारवां थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, और ये उनकी पहली बार फिल्म होगी सोनम कपूर के साथ। दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और दोनों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी की है। पर इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। कहानी जोया पे है। जोया जो कि सोनम कपूर के किरदार का नाम है। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तभी जोया का जन्म होता है, और तभी से उनको लकी मान लिया जाता है। उनके पिता का मानना रहता है कि उनकी बेटी काफ़ी लकी है। ऐसे ही जोया बड़ी होती है और एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम से टकरा जाती है एक रेस्टोरेंट में। उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम की वो लकी मैस्कॉट बन जाती है। ऐसा हो जाता है कि अगर जोया मैच देखने नहीं जाएगी तो इंडिया उस दिन मैच ही हार जाएगी। अभी आपको फिल्म देखने पे पता चलेगा कि क्या क्या लकी होता है और क्या क्या अनलकी होता है। ये फिल्म में थोड़ा अंधविश्वास और क्रिकेट लवर पे फिल्म बनी हुई है। फिल्म के बीच में जो कमेंट्री होती है वो काफ़ी फनी है। फिल्म में अच्छे अच्छे कॉमेडी सीन्स हैं, पंचेस हैं, पर सोनम कपूर की क्लीन एक्टिंग ने फिल्म को थोड़ा सा डाउन कर दिया है। फिल्म की सेकेंड हाफ थोड़ी मुझे बोरिंग लगी। अब आते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन अभिषेक शर्मा ने किया है। अभिषेक शर्मा ने ये फिल्म अच्छे से डायरेक्ट की है। स्क्रिप्ट भी अच्छी है, फिल्म में अच्छे अच्छे सीन्स हैं, फिल्म में डायरेक्शन का पूरा अच्छे से रोल निभाया गया है। लेकिन क्लाइमेक्स आते आते आप गेस कर लेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। स्टोरी सेकेंड हाफ में थोड़ी बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं तो कहूँगी अगर आपको देखनी है तो देखिए, क्योंकि फिल्म वन टाइम है। मैं इस फिल्म को 2.5 देती हूँ 5 में से, और उसके बाद आप पे छोड़ती हूँ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरा चैनल हमेशा देखते रहे। हमारे चैनल पे आपको हर तरीके की अपडेट से रूबरू करवाया जाएगा, इसीलिए हमारे पेज को लाइक करिए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।